Good morning, students. Welcome back to your Hindi literature digital class by SET. In this class, we are going to talk about lesson number 12, Rail Gadi Ka Khel, which is a poem in your books. So let's start. Aao bachcho rail banao. Mil chul kar khel bachcha. Sab bachche bibbe ban jaye. Chup chup karke shor macha. Aao bachcho rail banao. Aao bachcho kya karte hain? Ek rail banate hain. Mil chul kar khel bachaye. Hum sab milkar ek khel khelte hain jisme hum ek rail banayenge. सब बच्चे डिब्बे बन जाए छुप छुप करके शोर मचाए. सारे बच्चे क्या करेंगे? सारे बच्चे डब्बे बन जाएंगे. किसके डब्बे? ट्रेन के डब्बे बन जाएंगे और क्या करेंगे? शोर करेंगे. कैसा शोर? छुप छुप. ट्रेन कैसे करती है? छुप छुप करती है. जब सारे बच्चे ट्रेन के डब्बे बन जाएंगे, इंजन बन जाएंगे, तो कैसे आवाज निकालेंगे? छुप छुप. और उससे जो आवाज निकलेगी उससे शोर होगा. सोहर तो इंजन बन जाओ, अपने मुंह से धुआं उड़ाओ. गोविंद बनेगा टीटी, रवि गार्ड बजाएगा सीटी. सोहर तो इंजन बन जाओ. एक बच्चा है, उसका क्या नाम है? सोहर. तो सोहर से क्या, सोहन क्या बनेगा? सोहन बनेगा इंजन. सोहर तो इंजन बन जाओ, अपने मुंह से धुआं उड़ाओ. इंजन, इंजन से क्या होता है? इंजन से धुआं होता है. जब सोहन इंजन बनेगा तो अपने मुंह से क्या करेगा? धुआं उड़ाएगा. गोविंद बनेगा टीटी. और क्या होता है ट्रेन में? टीटी होता है. तो गोविंद टीटी बनेगा. रवि गार्ड बजाएगा सीटी. और जो रवि है वो क्या बनेगा? वो गार्ड बनेगा. और गार्ड का काम क्या होता है? सीटी बजाना. तो रवि गार्ड बनेगा और गार्ड की तरह सीटी बजाएगा. डिब्बे चलते रेल अंपेयर चलती जाती आगे. डब्बे चलते रेल अंपेयर आगे चलती जाती रे. जो डब्बे हैं, जो बच्चे डब्बे बने हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं. जैसे ट्रेन बढ़ती है और चलते जा रहे हैं और ट्रेन आगे बढ़ रही है. धक धक करती जाती रे आगे बढ़ती जाती रे. रेल में से जब धुआं निकलता है तो कैसी आवाज आती है? धक धक धक. तो क्या है? धक धक करती जाती रेल आगे बढ़ती जाती रेल. धक धक की आवाज निकालते हो ट्रेन क्या है? आगे बढ़ती जा रही है. टिकट नहीं लगता है इसमें, खाने को भी मिलता है इसमें. क्योंकि ये ट्रेन कैसी है? बच्चों ने बनाई है. तो इसमें क्या है? इसमें कोई टिकट नहीं लगेगा और खाने को मिलेगा इसमें. खूब मजा आता है इसमें, कई स्टेशन आते हैं इसमें. किसमें मजा आता है? जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है. और क्या होता है कि बहुत सारे स्टेशन आते हैं. जब ट्रेन कहीं भी जाती है तो बीच बीच में स्टेशन पड़ते हैं. जो जो सिटी पड़ती है वो सभी क्या होते हैं? वहाँ पे स्टेशन पड़ते हैं. ट्रेन रुकती है, वहाँ पर हमें खाने के लिए चीजें मिलती हैं. ट्रेन में बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, चीजों को सेल करते हैं. तो जो ट्रेन है उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है. ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. तो अगर आप भी बच्चों कभी ट्रेन में सफर किया है तो अपने पेरेंट्स से उसके बारे में डिस्कस कीजिए. So students, that's all for your today's class. In the next class, we are going to talk about lesson number 13, which is Gudiya Ki Shaadi.